गाइस वेलकम बैक टू रवि क्रिएटिव जंक्शन। तो फ्रेंड्स, पटना में मेट्रो का शक्ल लेते दिखने लगा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना भूलिए, ताकि जो भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो पटना मेट्रो स्टेशन तैयारी हो रहा है, इसका काम जोर शोर से चल रहा है। पटना मेट्रो एलिवेटेड स्टेशन अब शक्ल लेते दिखने लगे हैं, जबकि जमीन के अंदर खुदाई टनल बोरिंग मशीन के जरिए किया जा रहा है। टनल के जरिए खुदाई को आपको मैं कुछ चर्चाएं करेंगे। तो फ्रेंड, मैं बता दूं आपको कि पटना मेट्रो का काम जोरों पर चल रहा है। मोइनुल हक स्टेडियम से विश्वविद्यालय तक पटना मेट्रो भूमिगत खुदाई के लिए जमीन के 16 फीट नीचे लॉन्च की गई है। पहली टनल बोरिंग मशीन टीबीएम महावीरा ने 85 मीटर दूरी तय कर ली है। इसके साथ ही स्टेडियम के भूमिगत मेट्रो स्टेशन के निर्माण कार्य का इनिशियल ड्राइव पूरा हो गया है। फ्रेंड, और मैं भी बता दूं कि शुक्रवार से टीबीएम ने मेन ड्राइव यात्रा शुरू कर दी है। मेट्रो अधिकारी माने तो अब पटना टनल की खुदाई ऑटोमेटिक होगी, जिससे कि समय अब कम लगेगा। मोइनुल हक स्टेडियम एवं आकाश बाणी भूमिगत मेट्रो स्टेशन के बाद राजेंद्र नगर भूमिगत स्टेशन निर्माण को लेकर डी वॉल केज डालने के लिए एक खुदाई शुरू कर दी गई है। खुदाई राजेंद्र नगर टर्मिनल के सामने हो रही है। डीएमआरसी के मुताबिक डी वॉल केज लोहे की सरिया मजबूती कंक्रीट से तैयार होता है, जिसे जमीन के अंदर काफी गहराई तक डाला जाता है। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, ये पटना का जो कि आपको मैं बता दूं कि पटना अभी मेट्रो जो है, भूमिगत मेट्रो लाइन का निर्माण 3 फेज में होता है। प्रथम फेज में टीबीएम लॉन्चिंग शॉफ्ट से टनल की खुदाई शुरू करती है और इसमें रिंग सेगमेंट को मैन्युअली लगाया जाता है, जिसमें कि मशीन में लगे थ्रस्ट जैक अस्थाई रिंग सेगमेंट की मदद से टीबीएम को आगे बढ़ाते हैं। अगली प्रक्रिया के तहत टीबीएम मेन ड्राइव में पहुंचते हैं, जिसमें वो खुदाई के साथ साथ रिंग सेगमेंट लगाते हुए टनल को निर्माण करती है। और मैं साथ में यही बता दूं कि अधिकारियों के मुताबिक जो है, टीबीएम का सबसे अग्रिम भाग फ्रंट सील में कटिंग हेड होता है, जिसकी मदद से टीबीएम मिट्टी को काटते हुए खुदाई करती है। मेन ड्राइव में इसका ऑटोमेटिक उपयोग होगा। कटिंग हेड में एक विशेष किस्म के केमिकल का छिड़काव भी व्यवस्था होती है, जो कि कटिंग हेड पर लगे नोजल द्वारा मिट्टी पर छिड़काव जाता है। तो फ्रेंड, बता दूं कि पटना का जो कि अभी जो है, आपको पटना का मोइनुल हक स्टेडियम आकाशवाणी भूमिगत मेट्रो स्टेशन एक राजेंद्र नगर भूमिगत मेट्रो स्टेशन निर्माण को लेकर डी वाल डालने के लिए खुदाई शुरू कर गई। खुदाई राजेंद्र नगर टर्मिनल से लेकर आपको पूरी ये व्यवस्था कर दिया जा रहा है। तो फिर बता दूं कि पटना का जो अभी काफ़ी जो है, आपको जो मेट्रो का है, काफ़ी स्पीड से काम किया जा रहा है और टीबीएम विश्वविद्यालय तक की विशेष दूरी तय कर ब्रेक थ्रू करने में नवंबर दिसंबर तक जो है फ्रेंड लग सकता है। ये दूरी जो है 1.3 किलोमीटर की होगी। तो फ्रेंड, पटना मेट्रो जो है, अब मैं बता दूं कि पटना मेट्रो अब स्पीड और आपको 2 से 3 साल के अंदर जो है, मेट्रो की सफ़र जो है अब शुरू होने की पूरी उम्मीद है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही जानकारी के लिए, आप मेरे चैनल को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और पुराने आप सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए व्यूअर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक लेटेस्ट जानकारी के साथ।